भाई हम इस तरफ आ चुके हैं जो बॉम्ब के लिए कह रहे हैं कि उस तरफ मत जाओ। देखो ये पुलिस वाले यहाँ पे खड़े हुए हैं, कह रहे हैं उस तरफ मत जाओ, बॉम्ब है। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई अभी हम राणा प्रताप बाग के आगे, और भाई आज है ना क्रिकेट में प्रैक्टिस है, मतलब सैटरडे को भी है, तो हमने जो ड्रेस वगैरह डाल लिए और चप्पल पहन लिए ताकि वहाँ पर जाके जूते पहनने पड़ेंगे हमें। तो ये ऊपर से जर्सी डाल ली है और टी शर्ट और लोअर डाल लिया है हमने। तो अभी चलते हैं कॉलेज पैदल पैदल, क्योंकि अब थोड़ा पास ही रह गया, बस का पकड़ नहीं, पास ही रह गया थोड़ा सा, तो पैदल पैदल चलते हैं, पैदल पैदल ही रास्ता नाप देंगे। तो भाई चीज़ें ने हमें बाइक से छोड़ दिया था राणा प्रताप बाग पे, तो हम यहाँ से आ गए, मतलब थोड़ा सा पास आगे ही छोड़ दिया था। तो हम जा रहे हैं कॉलेज की तरफ आज भाई, सैटरडे को जाना आज, क्योंकि आज जाना प्रैक्टिस है हमारी, पता नहीं कोई टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा था उसके लिए कुछ बुलाया है, इसलिए जाना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं हम कॉलेज के लिए। सो भाई कॉलेज में तो आ गए हैं और कॉलेज पूरा खाली पड़ा हुआ है। इसको देखो और सजा दिया, जो मैंने आपको दिखाया था ना स्टैचू, ये देखो इसको और अच्छे से सजा दिया है। इसके आसपास गमले वगैरह, गेंदा के फूल वगैरह सब लगा दिए। और हम चल रहे हैं अभी अंदर की तरफ, ग्राउंड की तरफ। देखो भाई जो रंगोली बताई थी ना भैया, यार बच्चों ने बिगाड़ दी है इसे। देखो उस तरफ और वहाँ बीच में भी काफ़ी सारा बिगाड़ दिया है। सो भाई अभी ग्राउंड में आ चुके हैं और जो है पूरा ग्राउंड खाली पड़ा हुआ है, आज एक बच्चा भी नहीं ग्राउंड में दिख रहा। मैं दिखाता हूँ अभी, देखो उधर है, उधर भी नहीं है और उस तरफ भी नहीं है, सूरज की वजह से दिख नहीं रहा, और इस तरफ कहीं भी नहीं है, खाली उस तरफ जो है वो हमारे साथ के हैं। तो भाई अभी मतलब एक ही बच्चा आया है और भैया एक आए हैं, तो अभी जो है हमें वेट करना है। काफ़ी से स्टूडेंट अभी आए नहीं है, जो मतलब प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स भी क्या कह रहा हूँ, मतलब हाँ जो हमारी टीम के प्लेयर्स हैं ना, जो अभी आए नहीं हैं, तो अभी हमें वेट करना पड़ेगा उसके लिए। आंखों पे धूप पड़ रही है और अभी थोड़ी देर बाद वार्म वगैरह करेंगे, उसके बाद फिर स्टार्ट होगा जो भी है। पूरा खाली पड़ा है सुनसान पूरा कॉलेज, तो अभी वापस चलते हैं उस तरफ, थोड़ा हम थोड़ा टहल लेते हैं। सो भाई अभी कॉलेज में जब है ना हम, तो हमने जो आपको है ना एक चीज़ दिखानी थी, तो मैं दिखाता हूँ जो हमारी कॉलेज में नया बना है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये जो है ना, ये जो है, ये इसमें कबड्डी और खो खो होता है, मैं आपको दिखाना बोल गया। ये मैट वगैरह मैटिंग कर रखी है, मैट लगा रखा है और चारों तरफ से बंद कर रखा है ग्रिल से उस तरफ भी, और ये ऊपर टीन लगा रखी है भाई साहब, और ये ग्रिल लगा रखी है इस तरफ भी और इस तरफ भी, ताकि मतलब कोई स्टूडेंट्स मतलब जाए ना अंदर, वैसे कूद के जो जा सकता है लेकिन ऐसा लगा रखा है ताकि कोई कूद कर जाए ना, लेकिन जा तो सकता है तब भी, लेकिन बंद तो करना कंपलसरी है मतलब अब तो। तो भाई हमारे कॉलेज में नया बना है और है ना काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अब ग्राउंड है ना हमारा काफ़ी और खाली हो गया है, क्योंकि कबड्डी पहले उस तरफ होती थी, तो अब है ना वहाँ से मतलब हट गया, उस तरफ होगी। अब हमारे कॉलेज में ना नेट्स भी बनेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा, अभी थोड़ा उसमें टाइम लगेगा, नेट्स वगैरह बनेंगे तो उसमें प्रैक्टिस होगी। तो ये बना है हमारे कॉलेज में नया। अभी कितना टाइम लगेगा भाई इन सबको? भाई 5-10 मिनट लग जाएंगे। एक और बंदा पीयूष भी आ गया। अरे भाई इतने दिनों बाद आया ना भाई, इतना नहीं कहाँ खोया रहता है भाई, कितने दिनों बाद आए हो है पीयूष, कितने दिन बाद आया? कॉलेज की तरक्की तो होगी यार, तुम भी आओगे तो। अब इससे ये पता चल रहा है कि भाई तब आए थे जब कॉलेज में कुछ भी नहीं हुआ था, तो इसका मतलब भाई को कम से कम हो गया 10-15 दिन। 10 दिन भाई प्रैक्टिस पे क्यों नहीं आता था? शादी में गया था। तो भाई ये शादी में गया था इसलिए प्रैक्टिस पे नहीं आ रहा था। तो अभी हम रोकते हैं वीडियो को। तो भाई अभी हम जा रहे हैं आई कार्ड के लिए, आई कार्ड देखने के लिए, मतलब आई कार्ड बने कि नहीं बने, मतलब कॉलेज तो बंद है आज, क्या पता मतलब वो जो है डिपार्टमेंट रूम खुला हो, तो अभी वहीं पर चलते हैं। एकदम सुनसान पड़ा है कॉलेज, वहाँ नहीं कर दिया जूस वाले को, हाँ उस तरफ कर दिया, उस तरफ कर दिया भैया वो कहते हैं इसका वो चैनल गेट है। सो भाई लगता है बंद है डिपार्टमेंट रूम, ये लो भाई देख लिया बंद है। देखो भाई ये ताला लगा हुआ है डिपार्टमेंट रूम में, इसमें ये भैया सबकी मेहनत देखो कैसे बाल्टी में भर रहे हैं। भैया बच्चों की मेहनत तुम बाल्टी में भर रहे हो, बच्चों की मेहनत बाल्टी में भर रहे हो। देखो भाई थोड़ी देर पहले क्या था, अब क्या हो गया? हाँ जरूरी भी है साफ करना। तो गाइस है ना हमारे कॉलेज में लाइट लगी सेंसर वाली, देखो अभी मैं दिखाता हूँ आपको सेंसर वाली लाइट, देखना अभी देखना, आप इसके अंदर जाएंगे अंधेरा हो रखा है ना, और जैसे इसके अंदर जाएंगे लाइट जल जाएगी, देखना इधर, ये देखना अभी, ये देखो जल गई ना भाई, सत्यपति है, अभी देखना एक और जलेगी, देखना यहाँ पर भी जैसे जाएंगे वैसे जल जाएगी, देखो
ये भाई कॉल ही है यार नॉर्थ कैंपस का भाई ऐसे होता है ऑन कैंपस पढ़ता है ये नहीं पता तू पढ़ क्या रहा है तो भाई ये ड्यू नहीं पता नहीं तुम्हें इस साल नॉर्थ में आए इस साल नॉर्थ में नॉर्थ कैंपस में आया खाली ऑफ कैंपस पढ़ जाता तो क्या हुआ नहीं नॉर्थ पढ़ता है अभी नई नई स्टूडेंट है ना इनके साथ ऐसे ही होता है बीच में ऑफ में भी जोड़ भी दिया था ऐसे भाई ये ड्यू में ही है नॉर्थ में था फिर ऑफ में आप लोग कमेंट करके बताओ कॉलेज कहाँ पर है भाई सत्यवती नॉर्थ में कि साउथ में ठीक है तो भाई अभी हमारे फोन की बैटरी डाउन हो रही है तो हम चार्जर मतलब चार्जिंग करने जा रहे हैं फोन को चार्ज हो जाएगा फिर थोड़ी देर बाद उसके बाद वीडियो बनाएंगे अभी तो चार्ज पर लगाने जा रहे हैं तो गाइस हमारा फ़ोन चार्ज हो गया चार्जर ये रहा बैग में डालते हैं और पैकेज पे चलते हैं मैट वैट लगा दिया वहाँ पे सारे उधर ही खड़े हुए हैं तो मैट वैट लगा दिया तो चल रहे हैं प्रैक्टिस में सो भाई अब हम जा रहे हैं घर प्रैक्टिस हमारी हो गई है तो अब घर के लिए निकल चुके हैं साथ में जा रहे हैं फ्रेंड्स भी सो भाई वो जा रहे हैं फ्रेंड्स और हम भी निकल चुके हैं पानी वानी पी के फिर चलते हैं भाई ये है वाटर कूलर हमारे कॉलेज का इधर पानी भर रहा है दोस्त अभी पानी भर रहा है उसके बाद पीते हैं चलते हैं यार उस तरफ आज पैदल चलेंगे फ्लाई ओवर पार करके उसके बाद चलते हैं जल्दी से चल रहे हैं तो भाई हमारे भैया जो है हमें स्कूटी से छोड़ देंगे बाहर की तरफ और वहाँ से फिर हम बस पकड़ लेंगे तभी वो आ रहे हैं स्कूटी लेकर अपनी हमारे कॉलेज के बाहर ऐसा लग रहा है ना कि जैसे बॉम्ब है बॉम्ब वगैरह किसी ने रख दिया वहाँ पर तो कई सारी पुलिस वाले काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं पुलिस वाले मैं आपको दिखाता हूँ उस तरफ जाके ये देखो भाई सामने है ना देखो ट्रैफिक वाले उस तरफ भी पुलिस वाले खड़े उस तरफ भी अभी भाई हम इस तरफ आ चुके हैं जो बॉम्ब के लिए कह रहे हैं कि उस तरफ मत जाओ देखो ये पुलिस वाले यहाँ पे खड़े हुए कह रहे हैं उस तरफ मत जाओ बॉम्ब है सो भाई है ना वहाँ जाने नहीं दे रहे बॉम्ब की वजह से देखो वहाँ पर हैं पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे देखो मैं वहाँ पे दिखाता हूँ जाना है क्या जाना तो नहीं है लेकिन मैं देख रहा था ना यहाँ से देखो भाई वहाँ पर ही है कह रहे हैं बॉम्ब वहीं पर है सो गाइस है ना मैं ना उधर से जाऊँगा मतलब साइड से ऐसे सामने जाके फोन से पकड़ के वीडियो बनाने दे नहीं रहे तो मैं साइड से वीडियो बनाऊंगा साइड से आपको दिखाता हूँ जो बॉम्ब है ना भाई वो भाई साइड पर उधर ही रखा हुआ है पराठे जो पंडित जी पराठे है ना उसके इस तरफ ही रखा हुआ है देखते हैं साइड से वीडियो बनाते हैं भाई बॉम्ब देखने के लिए खड़े हुए हैं ये देखो ये भीड़ भीड़ देख रहे हो आप ये सारे बॉम्ब बॉम्ब देखने के लिए खड़े हुए हैं तो भाई हम वहाँ से आ गए हमारे लिए खतरे से बस खाली हो गया मतलब बॉम्ब उधर है तो हमने सोचा वहाँ पर खड़े रहना सेफ नहीं हमारे बिल्कुल भी सेफ नहीं है तो हम जा रहे हैं भाई घर के लिए पता नहीं क्या पता कब फट जाए बॉम्ब तो हम जा रहे हैं घर के लिए तो फ्रेंड्स भी जा रहे हैं आगे तो उनसे चलते हैं और भाई पता नहीं कहाँ तक कैसे फटे कितनी दूर तक कुछ भी नहीं पता भाई उसका बॉम्ब के बारे में तो हम चल रहे हैं भाई घर के लिए तो गई हम अपने दोस्त के साथ फ्लाई ओवर पार कर चुके हैं और जा रहे हैं बस स्टैंड पे बस पकड़ने भाई काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं यार और बॉम्ब की वजह से तो भाई हालत टाइट हो गई थी यार सही में ऐसा लग रहा था कि मतलब क्या करे ज़्यादा तेज भागे वो बीच में फट गया फिर दिक्कत हंसी भी आ रही है नहीं आते तो भी दिक्कत है फिर हमने सोचा भाई धीरे धीरे निकल जाओ यहाँ से अब बॉम्ब की वजह से और भाई पता नहीं और पता नहीं वहाँ पर क्या हो रहा है कुछ भी नहीं पता भाई हमें इतना पता है बॉम्ब है भाई कन्फर्म है ये तो और हम आ गए हैं भाई भगवान की दुआ से हम सेफ निकल गए और अंकित भाई अंकुश भाई की समझदारी ने हमारे को सुरक्षित बचा दिया है तो भाई अब तो हमको सीधा घर जाना है कहीं नहीं रुकना फाइनली गाइस हम घर पहुंच चुके हैं और भाई हमने ना फ्लिपकार्ट से ऑर्डर मतलब जूते बुक करे थे तो देखते हैं ये हमारा पैकेट है इसको फाड़ते हैं अभी तो जूते हमने बुक करे थे अब देखते हैं कैसे आए हैं तो अभी थोड़ा वेट करते हैं तो भाई ये डब्बा खोलने आ रहा है और सामने सेट हो जरा सो देखते हैं भाई आप भी देखिए मैं भी अभी खोल रहा हूँ तो भाई ये खोल दिए और सामने से तो हटो सो भाई ये जूता जो है आ गया है स्पोर्ट्स शूज है भाई मतलब कहीं भी पहन के जा सकते हैं ऐसे देखो ये यहाँ से ऐसा है और थोड़ा मैं इस तरफ से दिखाता हूँ आपको काफ़ी सही शूज़ लग रहा है ये देखो स्पोर्ट्स लिखा है और मतलब पहन के चले गए कहीं भी तो वैसा शूज़ है ये देखो दूसरा दिखाता हूँ नीचे से थोड़ी ग्रिप भी ठीक ही है मतलब इसकी लगभग काफ़ी 10 नंबर मंगाया था हमने और दूसरा दिखाओ और ये इसके अंदर न्यूज़पेपर डाल रखा है हाँ डालते हैं ना मतलब तो भाई ये ऐसा है देखो अरे थोड़ा रुको हाँ पेपर निकाल लो तुम लोग सो भाई ये ऐसा है देख लो ये भी ठीक है दिखने में मतलब हमें क्या करना है हमें पहन के घूमना ही फिर नहीं तो है बस और ये करना है सही है
सो गई, इस जूते की अनबॉक्सिंग तो कर दी, आप भी बताना कैसा जूता है कमेंट में। फ्लिपकार्ट से काफ़ी सस्ता मिल गया था। तो सो गाइस, आई होप ये व्लॉग आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को और कमेंट करना। और आपको पता है सब्सक्राइब वाला बटन दबा के आपका कुछ नहीं जाता, ये हम भी पता है और आपको भी। और बॉम्ब वाला भाई वो सीन पूरा देखना आप।